भारत की सबसे डरावनी हवेलियों का सच, क्या आप इन रहस्यों को सुलझा सकते हैं? दीवारों में कैद रहस्य, आत्माओं की फुसफुसाहट, भारत की ये 7 हवेलियां आपकी रूह तक कंपा देंगी। इन हवेलियों में क्या छिपा है? क्या आप इन हवेलियों में अकेले जाने की हिम्मत जुटा सकते हैं? सोचें, फिर फैसला करें। आप कितने बहादुर हैं? इन हवेलियों की कहानियां आपको डराएंगी या रोमांचित करेंगी? तैयार रहें डरने के लिए, क्योंकि ये हवेलियां आपकी सोच को बदल देंगी। हम आपसे एक गुजारिश करना चाहते हैं कि कृपया कमजोर दिल वाले इस वीडियो से दूर रहिएगा। चलिए अब करते हैं शुरुआत। आज की इस वीडियो की नंबर 1, फरीदाबाद के 52 मोड़ पर स्थित वह हवेली जिसकी दीवारें खूनी दास्तानों को समेटे हुए हैं, आज भी लोगों को डराती है। कहते हैं कि इस हवेली में 50 से अधिक बेगुनाहों की जानें गई। रात के अंधेरे में यह हवेली एक जीवित नरक में तब्दील हो जाती है। कहते हैं एक समय यह हवेली एक शानदार महल हुआ करती थी, लेकिन आज यह खंडहर में तब्दील हो चुकी है। इस हवेली की दीवारों पर खून के धब्बे अभी भी साफ दिखाई देते हैं। रात को यहाँ चीखें, रोने की आवाज़ें और पैरों की आवाज़ें सुनाई देती हैं। एक रात एक युवक अपनी कार से गुजर रहा था। अचानक उसकी कार खराब हो गई। आसपास कोई नहीं था। वह डर के मारे हवेली की ओर बढ़ा। हवेली के अंदर घुसते ही उसे एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। वह एक कमरे में गया और वहां सो गया। रात के मध्य में उसे एक चीख सुनाई दी। वह उठा और दरवाजे की ओर बढ़ा। दरवाजे के बाहर एक खूबसूरत लड़की खड़ी थी। युवक उस लड़की से बात करने लगा, लेकिन जैसे ही उसने लड़की को छुआ, लड़की गायब हो गई। अगली सुबह युवक मृत पाया गया। उसके शरीर पर खरोंच के निशान थे। कहते हैं कि इस हवेली में एक शापित आत्मा रहती है। वह आत्मा उन लोगों से बदला लेती है जो उसकी शांति भंग करते हैं। आप क्या सोचते हैं? क्या यह सब सिर्फ अफवाहें हैं या फिर सच में इस हवेली में कुछ अजीब है? नंबर 2, चार्ले विले हवेली। शिमला का डरावना राज, शिमला की शांत पहाड़ियों के बीच छिपी चार्ले विले हवेली अपनी भयानक कहानियों के लिए मशहूर है। इस हवेली की दीवारें ऐसी दास्तानें कहती हैं जो रातों को नींद उड़ा देती हैं। हवेली के अंदर अक्सर अकेले पैरों की आवाज़ें सुनाई देती हैं। कहते हैं कि इस हवेली में एक शापित आत्मा बसी हुई है जो हर नए निवासी को अपना शिकार बनाती है। हवेली के पिछले मालिक एक सेना अधिकारी ने इस आत्मा को महसूस किया था। उसने उस कमरे को बंद कर दिया जहां सबसे ज्यादा अजीब घटनाएं होती थी, लेकिन आत्मा ने उसे भी नहीं छोड़ा। रात में हवेली के आसपास रोने की आवाजें आती हैं। एक रात सेना अधिकारी ने उस कमरे में एक जोरदार धमाका सुना। जब उसने कमरा खोला तो सब कुछ बिखरा हुआ था। डर के मारे उसने हवेली छोड़ दी। विक्टर बेली और उनकी पत्नी भी इस हवेली में रहने आए, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि यहाँ क्या छिपा है। उन्होंने भी अजीब अजीब घटनाओं का अनुभव किया। एक बार विक्टर बेली घर से बाहर थे और उनकी पत्नी ने उन्हें कमरे में देखा। जब विक्टर घर लौटे तो उन्होंने अपनी पत्नी को बताया कि वह पूरे समय घर पर थे। कहते हैं कि इस हवेली में आत्माएं लोगों को दिखाई देती हैं, आवाज़ें सुनाई देती हैं और अजीब अजीब चीज़ें होती हैं। आज भी कई लोग इस हवेली से डरते हैं और रात के समय यहाँ जाने से बचते हैं। कई लोगों ने हवेली में अजीब अजीब छायाएँ देखी हैं। नंबर 3, पुतुलबारी। कोलकाता का खौफनाक राज, कोलकाता की पुतुलबारी अपनी भयानक कहानियों के लिए मशहूर है। यह हवेली जो कभी खुशियों से गुलजार हुआ करती थी, आज खौफ का पर्याय बन चुकी है। हवेली के अंदर एक कुआं है जिसमें कई लोगों के डूबने की कहानियां जुड़ी हुई हैं। कहते हैं कि इस हवेली के मालिक एक अत्याचारी व्यक्ति थे जो महिलाओं का शोषण करते थे। उन्होंने कई महिलाओं की हत्या की और उनके शवों को हवेली में ही दफन कर दिया। उनकी बेटी गुड़ियों से बहुत प्यार करती थी और उसने हवेली को गुड़ियों से भर दिया था। रात के अंधेरे में हवेली से महिलाओं के रोने की आवाज़ें सुनाई देती हैं। हवेली में एक कमरा है जहां सभी गुड़ियां एक साथ रखी हुई हैं। हवेली में रखी गुड़ियों की आंखें रात को चमकती हुई दिखाई देती हैं, लेकिन उनकी बेटी की भी एक अजीब मौत हुई। कहते हैं कि वह एक दुर्घटना में मर गई और उसकी आत्मा अब भी हवेली में भटकती रहती है। उसकी आत्मा गुड़ियों के साथ खेलती है और हवेली में रहने वालों को डराती है। हवेली के पास एक पेड़ है जिस पर कई लोगों ने फांसी लगा ली है। हवेली के अंदर से अजीब अजीब आवाज़ें आती हैं, जैसे कि कोई दौड़ रहा हो या कोई चीख रहा हो।
कहते हैं कि जो कोई भी इस हवेली की ऊपरी मंजिल तक बिना डरे पहुंच जाता है उसे एक इनाम मिलता है, लेकिन बहुत कम लोग इस चुनौती को स्वीकार करते हैं। क्या आप इस हवेली में जाने की हिम्मत जुटा सकते हैं? अपना एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें। नंबर 4, राजस्थान का ब्रिज भवन चंबल नदी के किनारे स्थित एक ऐसी हवेली है जिसकी दीवारें खूनी दास्तानें कहती हैं। इस हवेली में एक अंग्रेज मेजर चार्ल्स बर्टन और उसके 2 बच्चों की हत्या कर दी गई थी और कहा जाता है कि उनकी आत्माएं आज भी इस हवेली में भटकती रहती हैं। 1857 के विद्रोह के दौरान ब्रिटिश सिपाही मेजर चार्ल्स बर्टन और उसके 2 बच्चे इस हवेली में रहते थे। जब विद्रोह हुआ तो विद्रोहियों ने इस हवेली को घेर लिया और मेजर बर्टन और उसके बच्चों को मौत के घाट उतार दिया। कहते हैं कि उनकी आत्माएं आज भी इस हवेली में भटकती रहती हैं और जो कोई भी इस हवेली में आता है उसे डराती हैं। हवेली में अक्सर अजीब अजीब आवाजें सुनाई देती हैं, जैसे कि कोई चल रहा हो या बात कर रहा हो। हवेली के अंदर हमेशा एक ठंडी हवा चलती रहती है, भले ही बाहर गर्मी हो। हवेली के दरवाजे अक्सर अपने आप खुल जाते हैं और बंद हो जाते हैं। कोटा की पूर्व महारानी ने भी दावा किया था कि उन्होंने अपने ड्राइंग रूम में मेजर चार्ल्स बर्टन को देखा है। महारानी के मुताबिक मेजर की आत्मा ने उनको कभी भी नुकसान नहीं पहुंचाया। आज ब्रिज भवन एक होटल के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन यहाँ आने वाले कई मेहमानों ने अजीब अजीब घटनाओं का अनुभव किया है। कुछ लोगों ने कहा है कि उन्होंने रात के समय हवेली में आवाजें सुनी हैं और कुछ ने तो मेजर बर्टन को भी देखा है। नंबर 5, मेरठ का जीपी ब्लॉक, जो कभी एक शांत और सुंदर इलाका हुआ करता था, आज एक डरावने रहस्य का घर बन चुका है। जंगल के बीच स्थित एक पुराना बंगला अपनी खौफनाक कहानियों के लिए जाना जाता है। कहते हैं कि इस बंगले में एक लाल साड़ी पहने महिला की आत्मा घूमती रहती है। कई लोगों ने रात के अंधेरे में उसे बंगले के अंदर घूमते हुए देखा है। उसकी आंखें इतनी डरावनी होती हैं कि देखने वाला दहशत में आ जाता है। बंगले के अंदर से अजीबोगरीब आवाजें आती रहती हैं, जैसे कि कोई रो रहा हो या कोई दौड़ रहा हो। कई बार लोगों ने बंगले के अंदर से हंसी और संगीत की आवाजें भी सुनी हैं। कहते हैं कि बंगले की दीवारों पर खून के धब्बे हैं। कुछ लोगों का मानना है कि ये खून के धब्बे उन लोगों के हैं जिन्होंने इस बंगले में अपनी जान गंवाई है। इस बंगले के बारे में बहुत कम जानकारी उपलब्ध है। कुछ लोगों का कहना है कि यह बंगला एक अंग्रेज अधिकारी का था जिसकी हत्या कर दी गई थी। कुछ का कहना है कि इस बंगले में एक अमीर परिवार रहता था जिसके सदस्यों ने एक दूसरे को मार डाला था। कई लोग इस बंगले में जाने की हिम्मत जुटाते हैं, लेकिन कोई भी यहाँ रात बिताने की हिम्मत नहीं जुटा पाता। कहते हैं कि जो कोई भी इस बंगले में रात बिताता है वह कभी वापस नहीं लौटता। नंबर 6, हरियाणा की धरती पर बसी होडल की हवेली अपनी भयानक कहानियों के लिए मशहूर है। यह हवेली जो कभी खुशियों से गुलजार हुआ करती थी, आज खौफ का पर्याय बन चुकी है। कहते हैं कि इस हवेली के मालिक की पत्नी एक भीषण आग में जलकर मर गई थी। उसकी आत्मा अब भी इस हवेली में भटकती रहती है। रात के अंधेरे में हवेली के चारों ओर एक अजीब सी गर्मी फैल जाती है, मानो कहीं आग जल रही हो। कई लोगों ने हवेली के अंदर जलने की गंध भी महसूस की है। कहते हैं कि इस महिला की आत्मा हमेशा जलती हुई अवस्था में रहती है। वह हवेली के हर कोने में भटकती रहती है और अपनी दर्दनाक मौत का बदला लेना चाहती है। जो कोई भी इस हवेली में प्रवेश करता है उसे यह जलती हुई आत्मा दिखाई दे जाती है। कई लोगों ने हवेली के अंदर आग की लपटें देखी। ये लपटें अचानक से प्रकट होती हैं और फिर गायब हो जाती हैं। कहते हैं कि ये लपटें उस आग की याद दिलाती हैं जिसमें वह महिला जली थी। आज ये हवेली पूरी तरह से वीरान पड़ी हुई है। कोई भी इस हवेली में रहने की हिम्मत नहीं जुटा पाता। लोग दूर से ही इस हवेली को देखकर डर जाते हैं। ये कहानी कितनी सच्ची है ये तो कोई नहीं जानता, लेकिन इतना ज़रूर है कि इस हवेली से जुड़ी कई डरावनी कहानियाँ प्रचलित हैं। नंबर 7, पुणे की रेजिडेंसी क्लब रोड पर स्थित हवेली अपनी डरावनी कहानियों के लिए मशहूर है। कहते हैं कि इस हवेली में एक बुजुर्ग महिला की आत्मा बसी हुई है जिसका अपने ही घर में बहुत ही दर्दनाक अंत हुआ था। वह महिला अपनी मौत के बाद भी इस हवेली में बंधी हुई है और हर रात अपनी पीड़ा को व्यक्त करती है। कई लोगों ने दावा किया है कि उन्होंने रात के अंधेरे में हवेली की खिड़की से एक बूढ़ी महिला को मदद के लिए पुकारते हुए देखा है।
कहते हैं कि यह महिला अपनी मौत के बाद भी इस हवेली में अकेली है और उसे किसी की मदद की जरूरत है। वह रात दिन रोती रहती है और अपनी पीड़ा को व्यक्त करती है। उसकी आवाज इतनी भयानक होती है कि सुनने वाला दहशत में आ जाता है। कई लोगों ने दावा किया है कि उन्होंने रात के अंधेरे में हवेली के आसपास एक छाया को घूमते हुए देखा है। ये छाया एक बूढ़ी महिला की तरह दिखती है और वह हमेशा किसी चीज की तलाश में रहती है। आज की वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं आपको आज की वीडियो में दी गई जानकारियां अच्छी लगी होंगी। इसलिए इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। चलिए अब मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। धन्यवाद।